नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। देश भर में धोखाधड़ी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठग रहे हैं और उनकी मेहनत की कमाई को लूट रहे हैं। हालांकि पुलिस इस ओर सतर्क हो चुकी है और लगातार अपराधियों को जेल पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में एक और खबर सामने आ रही है। बता दें, लोगों का झांसा देकर 37 लाख से ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी कर महिला के सपनों से खिलवाड़ करने वाले ग्रुप के मुख्य आरोपी को नैनीताल पुलिस ने अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बीती 17 जनवरी को आनंदपुरी फेस 2 नवाबी रोड हल्द्वानी निवासी देवकी बमिटा की तहरीर पर उसने बताया कि 4 दिसंबर 2022 को आरोपियों द्वारा लोन पास करने के एवज में उसके साथ 37,60,000 रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में हल्द्वानी कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया था। बता दें, आरोपियों में सुषमा हल्दार, राम किशन, मनोज कुमार, संजय कुमार शामिल थे। वहीं इस मामले का संज्ञान उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार द्वारा किया गया था। इस घटना के खुलासे के लिए घटना से संबंधित बैंक अकाउंट के साथ साथ संबंधित संदिग्धों की डिटेल भी जुटाई गई थी। वहीं इस मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस टीमें भी गठित की गई थी, जिसमें से टीमों को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान को में भेजा गया था। इस बीच 30 जून को मुख्य आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से के अकराबाद थाने से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आवश्यक कार्यवाही भी की गई। बता दें, मुख्य आरोपी की पहचान अलीगढ़ निवासी 41 साल के संजय कुमार के रूप में हुई है। साथ ही बता दें, अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया है। वहीं अब अभियुक्त का आपराधिक इतिहास संबंधित जिले और राज्य से जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।